आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वॉटरमार्क, इंसर्ट कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस. आज का जो क्लास है वो वर्ड का लास्ट क्लास है. फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट एमएस एक्सेल. ओके, वॉटरमार्क आप लोग को पता ही है वॉटरमार्क क्या है. पहला ऑप्शन हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के अचेज वॉटरमार्क. वॉटरमार्क का यूज होता है अपने पेज के बैकग्राउंड पे कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉटरमार्क का. यानी सिंपली वी कैन से इट इज यूज्ड टू इंसर्ट पोस्टेड टेक्स्ट ऑन आवर डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट पे एक धुंधला टेक्स्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं. ठीक है, इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको जाना होता है डिजाइन मेन्यू में. डिजाइन में आपको यह मिलता है वॉटरमार्क. वॉटरमार्क के ड्रॉप डाउन की पे क्लिक करिएगा जहां पे आपको मिलेगा कस्टम वॉटरमार्क. कस्टम वॉटरमार्क पे तीन चीजें हमें दिखती हैं, एक नो वॉटरमार्क यानी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी वॉटरमार्क नहीं है, एक पिक्चर वॉटरमार्क यानी आप फोटोग्राफ्स वगैरह लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के पीछे बैकग्राउंड पे, और एक आपका है टेक्स्ट वॉटरमार्क. तो वी विल यूज हियर टेक्स्ट वॉटरमार्क. हम लोग राइटिंग लेके चल रहे हैं. टेक्स्ट वॉटरमार्क में यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है जिसमें लिखा है ASAP एज सून एज पॉसिबल, इसको ओपन करते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं तो हम यहाँ से ले लेते हैं कॉन्फिडेंटल. अगर हम चाहें तो खुद की भी कोई चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक हमने लिख दिया यहाँ पे न्यू एरा. ठीक है, हम लिख दिया यहाँ पे न्यू एरा. राइटिंग की स्टाइल आपको क्या चाहिए, तो राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से चूज कर लेंगे. मीन्स राइटिंग फेस, फॉन्ट फेस जिसको बोलते हैं, और यहाँ से आपके टेक्स्ट की साइज क्या होनी चाहिए. तो टेक्स्ट की साइज हम रख देते हैं 54. कलर क्या होना चाहिए, कलर आप चाहो तो यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है. और अप्लाई कर दीजिए. आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया, सॉरी नहीं वाला लिख के आ गया. ये डायगोनल शेप में है, आपको क्या चाहिए, डायगोनल शेप नहीं चाहिए, आपको यहां से उसे हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना है. तो आप फिर से कस्टम वॉटरमार्क पे जाओ और यहां से हॉरिजेंटल चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये टेक्स्ट आपका ऐसे शो करेगा, और आपको अगर डायगोनल करना है तो डायगोनल में आपका टेक्स्ट तिरछा शो करेगा. ठीक, ये तो बात रही किसकी, वॉटरमार्क की. अब हम जितने भी पेजेस लेते जाते हैं सभी पेजेस पे सेम वॉटरमार्क इंसर्ट होता जा रहा है, सभी पेज पे सेम वॉटरमार्क इंसर्ट होगा. देखने के लिए व्यू में जाइए और यहाँ से मल्टीपल पेज पे क्लिक कर दीजिए. अब आप देखेंगे सभी पेजेस पर न्यू एरा लिखा हुआ है. आपको क्या करना है कि हर एक पेज पर डिफरेंट वॉटरमार्क शो करना है. यू वॉन्ट टू शो डिफरेंट वॉटरमार्क ऑन ईच पेजेस, हर एक पेज पर डिफरेंट वॉटरमार्क शो करना है. तो इसके लिए हम लोग जो वॉटरमार्क लगाए हैं सो तो ठीक है, अब सीधा जाएंगे हम लोग लेआउट में. लेआउट में हमें मिलेगा यहाँ पे पेज ब्रेक, यहाँ ब्रेक मिलता है, ब्रेक से हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेते हैं. ठीक, अब इसके हेडर के साइड पे डबल क्लिक करेंगे जहां पे आप देखें लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, यानी पहला छोड़ के बाकी दूसरे तीसरे चौथे पेज पे सेम एज प्रीवियस लिखा है. हमें पिछले वॉटरमार्क को ही नहीं डिस्प्ले करना, हमें दूसरा वॉटरमार्क डिस्प्ले करना है. तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हेडर के ऑप्शन में जाते हैं डिजाइन मिलता है, डिजाइन में आपको मिलता है लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करिएगा. क्लिक करने के बाद आप अपने वॉटरमार्क पे क्लिक करिएगा. वॉटरमार्क देखिए सेलेक्ट हो गया. अब सीधा हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं जहां हमें मिलता है एडिट टेक्स्ट. एडिट टेक्स्ट से आप जो भी लिखना चाहें, जैसे कंडीशन, इसकी राइटिंग स्टाइल आप डिफरेंट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. और यहां से साइज भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, और इसको ओके कर दीजिए. ठीक, तो आप देखिए दूसरे पेज में हमें क्या मिल गया, कंडीशन मिल गया. ऐसे ही अगले पेज पे हमें करना है, हम चाहते हैं अगले पेज पे दूसरा हो. तो हम लोग जिस पेज पे चाहते हैं, जैसे मान लो हम चौथे पेज पे चाहते हैं डिफरेंट हेडर, तो डिफरेंट वॉटरमार्क, तो यहाँ पे पहले हेडर फुटर से बाहर आइए, डबल क्लिक करके बाहर आ जाइए. फिर से जाइए लेआउट में, ब्रेक में, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दीजिए. नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ ब्रेक लग जाता है. अब आपको हेडर वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है और लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक कर देना है. और यहाँ पे
आपके हेडर के सॉरी वाटरमार्क के टेक्स्ट पे क्लिक करके सीधा फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे आप लिख लीजिए जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हमें चाहिए ओरिजिनल तो हम यहाँ पे ओरिजिनल लिख दिए। ओरिजिनल की राइटिंग आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से ओरिजिनल की राइटिंग चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके। सी अब आप देखेंगे यहाँ पे हेडर फुटर से बाहर हो जाते हैं डबल क्लिक करके। ये देखिए पहले पेज पे निवेदा, दूसरे तीसरे पेज पे कंडीशनल कंडीशन एंड चौथे पेज पे आपका ओरिजिनल। लेआउट का यूज करना ही पड़ेगा, लेआउट में ब्रेक का यूज, और उसके बाद हेडर फुटर में जाके लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना होगा, तभी जाके डिफरेंट यूज होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, इंसर्ट कैप्शन। पेज की साइज थोड़ी जूम कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिखे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का यूज जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन of any selected content of your document। आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं या टेबल बनाया हुआ है या चार्ट बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि उस चार्ट या टेबल या फिर उस कंटेंट का, उस पैराग्राफ का हम एक कैप्शन दे दें, एक आइडेंटिफिकेशन दे दें, ताकि जब भी हमें वहां जाना हो तो हमें एरो से मूव करके ना जाना हो बल्कि हम डायरेक्टली क्या करें, क्लिक करें और उस जगह पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास पहले एक टेबल वाला एरिया होना चाहिए, तो हम बनाने से बेटर है रेडीमेड एरिया ले रहे हैं। रेडीमेड यानी टेम्पलेट फाइल। फाइल में जाइएगा और यहां से मोर टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा, नीचे आइए, आपको टेबल फॉर्मेट मिलेगा, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, हम टेबल फॉर्मेट ले रहे हैं। लाइक मान लो हम ये ले लेते हैं सर्विस इनवॉइस और इसको क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी फाइल पेज है, टोटल फाइल है। हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अमाउंट्स, ये एरिया, इस एरिया का एक आइडेंटिफिकेशन दे दें ताकि जब भी हम चाहें इसके ऊपर आराम से क्लिक करके आ जाएं, ना कि हमें एरो का यूज करना पड़े। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट कैप्शन लिखा हुआ है। ठीक, अदरवाइज आप रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए कैप्शन यानी किस नाम से आप उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो टेबल वन एज इट इज रहेगा, इसको हम चाहे जितना डिलीट करना चाहें ये डिलीट नहीं होगा। आपने इसका नाम दे दिया कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे कहता ऑप्शन यानी लेबल क्या देना चाहते हैं, लेबल किसके ऊपर आपने अप्लाई किया है, तो इसमें देता है इक्वेशन यानी फॉर्मूला है, कोई इमेज है या टेबल, तो हमारा क्या है टेबल है ना, तो हम यहाँ से टेबल ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है कि जो आप आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, पोजीशन बोल रहा है ना, पोजीशन में पूछता है जो आप आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन टेबल के कहाँ पे देना चाहते हैं, ऊपर या नीचे। देखिए यहाँ पे कह रहा है अबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। अगर आप अबव सेलेक्टेड आइटम करते हैं तो टेबल के ऊपर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नेम शो करेगा, और अगर आप बिलो शो क्लिक करते हैं तो टेबल के नीचे आइडेंटिफिकेशन नेम शो करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से लेते हैं अबव सेलेक्टेड आइटम, देन ओके कर देंगे। ओके करते ही आप यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन शो कर दिया। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन शो कर दिया। ओके, कोई दिक्कत? मैम इस चीज का बेसिकली यूज क्या है? इस चीज का बेसिकली यूज, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए
कि हम अपना ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, एक फाइल में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अब हमें क्या करना है कि अपने किसी कंटेंट पे रेगुलर वर्क है, तो आप एरो से नीचे जाओगे जिसमें टाइम टेकन होता है, स्क्रोल से नीचे जाओगे जो टाइम टेकन होता है, ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या है ना, जो कैप्शन आपने इंसर्ट किया इसके जरिए हमें यहाँ पे एक नाम मिल गया, उस नाम के जरिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके जंप कर जाएंगे। जैसे ही उस नाम पे क्लिक करेंगे, अब वो नाम कैसे डिस्प्ले करेगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं, यानी कैसे हम उस पर जंप करेंगे ये चीज हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। बस आइडेंटिफिकेशन नेम देंगे, अभी इसको जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हम एक लिंक अभी बनाएंगे, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग डायरेक्टली जाके कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस सेलेक्टेड एरिया पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस का यूज भी करना पड़ेगा। एक और पेज लेते हैं, इस पेज पे हमने सिंपल एक पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया लेसन, इसी तरीके से हम दूसरा पैराग्राफ भी ले लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पर, इस पैराग्राफ को ही कॉपी करते हैं। अब हम यहीं से सेकेंड थर्ड पेज पे जाएंगे, यहां पे हमने नाम लिख दिया लेसन, पैराग्राफ को पेस्ट कर देते हैं। देखिए दो तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं, एक तो आपने इंसर्ट कैप्शन का यूज किया जो काफी इजी है, और अभी हम लोग हेडिंग वन का यूज करेंगे, जैसे उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में यूज करते थे। इसको सेलेक्ट करिएगा, लिख के होम में जाइएगा और हेडिंग वन, ऐसे ही लेसन टू को भी आप क्या करिएगा सेलेक्ट करके हेडिंग वन कर दीजिएगा। ये हेडिंग वन कहीं भी आया उससे हमें मतलब नहीं, हालांकि टॉप ऑफ द पेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सीधा आप जाइए फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज को खाली करिए, यानी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसका, पेज ब्रेक का, इंसर्ट में पेज ब्रेक, ताकि हमें पहला पेज क्या मिले, खाली, खाली मिल गया। अब यहाँ पे जाएंगे क्रॉस रेफरेंस पे, इंसर्ट कैप्शन का यूज अब क्रॉस रेफरेंस में होगा, क्रॉस रेफरेंस पे जाइएगा, यहाँ पे आपने क्रॉस रेफरेंस में क्या तैयार किया है, तो हमने हेडिंग तैयार किया है, ये हमारे दोनों हेडिंग है, इसको इंसर्ट कर लीजिए, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करिए देखिए फर्स्ट पेज पे दोनों आ रहा है। अब अगला आपने क्या यूज किया था, टेबल यूज किया था, टेबल पे जाइए, टेबल में इंटायर कैप्शन, आपने कैप्शन का नाम क्या दिया था, टेबल वन कॉन्फिडेंशियल, इंसर्ट कर दीजिए। ये तीनों चीजें देखिए आपके पेज पे इंसर्ट हो गई। अब कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो, लेसन वन पे आ गए ना, कॉन्फिडेंशियल पे जाना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो। देखो सीधा हम उसी कंटेंट पे आ गए, कॉन्फिडेंशियल वाले पे। अब आप लोग एक क्वेश्चन करोगे कि मैम हाइपरलिंक का भी यही काम है और क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कैप्शन का भी यही काम है, तो नहीं, दोनों में अंतर है। हाइपरलिंक का यूज लिंक करने के लिए होता जरूर है, लेकिन वो लिंक किसको करता है, किसी दूसरी फाइल को आपके करंट फाइल से लिंक करता है। मतलब अगर आप हाइपरलिंक यूज करते हो तो वहां पे आपको कोई दूसरे फाइल दूसरे फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा, और जब उसको सेलेक्ट करोगे तो आपका टेक्स्ट ब्लू और अंडरलाइन में कन्वर्ट होगा, क्लिक करेंगे तो हमारा वो फाइल ओपन होगा जिससे आपने अपने करंट फाइल को करंट कंटेंट को लिंक किया था। इंसर्ट कैप्शन सिर्फ और सिर्फ, इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपके करंट डॉक्यूमेंट में ही काम करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है उस कंटेंट के अंदर लिंक क्रिएट करते हैं, आउटर लिंकिंग नहीं करते हैं। हाइपरलिंक आउटसाइड फाइल्स की लिंक करता है, इंसर्ट कैप्शन क्रॉस रेफरेंस ये जो है आपके फाइल के अंदर लिंक क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। बुझाया कि बुझ गया? Yes, ma'am. दोनों में बस यही अंतर है कि ये आपका जो है
ये आपके फाइल के अंदर लिंक क्रिएट करता है। इंसर्ट जो आपका लिंक का यूज है, हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक आउटसाइड फाइलों को लिंक करता है आपके करंट फाइल से।